हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 3 इंटीजर्स प्रैक्टिस सेट 8। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कैसे करें। देखो, अभी तक हमने जो ऐड कर रहे थे तो ऐड वाले में हम डायरेक्टली कर रहे थे, ऐड वाले में हम डायरेक्ट कर रहे थे कि प्लस प्लस का प्लस होता है, माइनस माइनस का भी प्लस होता है, और प्लस माइनस का जो भी साइन बड़ा रहेगा वो आता है। तो अब यहां पे देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, 9 माइनस 9, अभी ये जो प्लस और माइनस, सॉरी माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। हाँ, तो जब ये प्लस 4 होगा तो अब यहाँ पे ऐड के हिसाब से आगे देखो, एक माइनस है एक प्लस है, तो एक प्लस माइनस रहेगा तो क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, बड़ा नंबर क्या है, माइनस सॉरी 9 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको भी करना है, माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 9, तो ये हो जाएगा। अब ये हमारे ऐड के जैसा हो गया है, अब ये ऐड के जैसा हो गया तो ये क्या जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या का साइन क्या है, बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो यहाँ पे प्लस में आएगा इसका आंसर, इसको प्लस कर लो। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 9 लिख दो और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4। यहाँ पे देखो, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो प्लस 9 और माइनस 4, तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस होगा, तो 9 माइनस 4 कितना होता है, 5, और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर क्या है, 9 है, तो इसकी भी साइन क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या बनेगा, प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, तो प्लस 9 और प्लस 4, प्लस 9 प्लस 4, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 9 प्लस 4 13, और बड़ी संख्या का साइन प्लस 13 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या, 3 जैसा अभी हमने प्रैक्टिस सेट 5 में किया था उसी तरीके से है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना होता है, 2, फिर है -3 माइनस 6। अब देखो, ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और साइन कौन सा लगेगा, बड़ा, तो यह -9 हो जाएगा। फिर क्या है, -2 माइनस 6, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस होगा तो मतलब 6 2 8, और साइन किसका लगेगा, बड़ी का लगेगा, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते, फिर ये वाला करेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 माइनस माइनस 5, बट इसको हमको पूरी तरीके से सॉल्व बाहर करना पड़ेगा, ये है -3 माइनस माइनस 5, यहाँ पे आएगा -2 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, पहले में क्या है, 3 माइनस माइनस 5, हाँ, तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 प्लस 5 कितना होता है, यहाँ पे आएगा इसका आंसर 8। सेकंड में क्या दिया है, 8 माइनस माइनस 5, तो देखो 8 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 5 कितना होता है, 13, यहाँ पे देखो 13 उन्होंने लिखा है, देन -3 माइनस माइनस 5, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस, ये वाला क्या हो गया, प्लस 5, तो 1 प्लस 1 माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ी संख्या क्या है, बड़ा नंबर क्या है, 5, 5 का साइन क्या है, प्लस, इसका आंसर आएगा +2।
उसके बाद में माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस टू प्लस फाइव, तो एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो एक जाएगा थ्री माइनस टू थ्री, और बड़ी संख्या क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस थ्री हो जाएगा। ये सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्री माइनस जीरो थ्री, एट माइनस जीरो एट, लेकिन तुमको ना ये पूरा बना करके लिखना पड़ेगा माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री और माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू, इसको तुमको कैसा लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन एट माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री, और माइनस टू माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस टू, ये वाले कॉलम का ये हो गया। अब ये नाइन वाला कॉलम को मैं यहाँ पे करता हूँ थ्री माइनस नाइन इज इक्वल टू दिया हुआ है, उसके बाद दिया है एट माइनस नाइन, देन माइनस थ्री माइनस नाइन, उसके बाद में माइनस टू माइनस नाइन, ऐसा दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो थ्री माइनस नाइन, तो थ्री माइनस नाइन में एक बड़ा है एक प्लस एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो नाइन माइनस थ्री सिक्स और बड़ी संख्या माइनस सिक्स, यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स, तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस सिक्स। उसके बाद एट माइनस नाइन क्या आता है एक प्लस है एक माइनस है, तो नाइन माइनस एट कितना होता है वन, और बड़ी संख्या क्या है माइनस नाइन है, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस रहेगा तो क्या होता है प्लस होता है, तो नाइन थ्री एल ट्वेल्व और माइनस का साइन लगा करके माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, बड़ी संख्या का साइन लगाना है। माइनस टू माइनस नाइन एलेवन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे साइन एलेवन का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एलेवन। अब माइनस फोर वाला कर लेते हैं, क्या बनेगा ये थ्री माइनस माइनस फोर, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद बनेगा थ्री सॉरी एट माइनस माइनस फोर, उसके बाद में क्या बनेगा माइनस थ्री माइनस माइनस फोर, उसके बाद में क्या बनेगा माइनस टू माइनस माइनस फोर। तो यहाँ पे देखोगे सब में तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, इसका बनेगा क्या ये बनेगा थ्री प्लस फोर, नहीं तो इसको यहाँ पे मत करो, इसको यहाँ पे लिख लो थ्री माइनस माइनस फोर है ना, तो ये हो जाएगा थ्री, ये माइनस माइनस प्लस फोर, तो थ्री प्लस फोर सेवन, तो इसका आंसर आएगा सेवन। उसके बाद में क्या है एट माइनस माइनस फोर, तो हो जाएगा ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, एट प्लस फोर, एट प्लस फोर कितना होता है ट्वेल्व होता है, इसका आंसर आएगा ट्वेल्व। उसके बाद में माइनस थ्री माइनस माइनस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर, तो माइनस थ्री प्लस फोर एक माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा और आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर आएगा प्लस वन। देन उसके बाद क्या माइनस टू माइनस माइनस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस माइनस प्लस फोर, तो एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो माइनस होगा, तो फोर माइनस टू माइनस, और साइन किसका लगेगा बड़ी का लगेगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, इसका आंसर आएगा प्लस टू। ये जितना ये फोर ये मतलब ये जो टेबल है ये टेबल तुमको यहाँ पे बना करके लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ सेवन ट्वेल्व प्लस वन एंड प्लस टू। अब यहाँ पे देखो इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका टेबल कैसे बनेगा,
थ्री माइनस प्लस सेवन, उसके बाद क्या बनेगा, एट माइनस प्लस सेवन, फिर माइनस थ्री माइनस प्लस सेवन, देन माइनस टू माइनस प्लस सेवन, इस तरीके से बनेगा ना। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, थ्री माइनस प्लस सेवन, उसके बाद में एट माइनस प्लस सेवन, देन माइनस थ्री माइनस प्लस सेवन और माइनस टू माइनस प्लस सेवन, इस तरीके का है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, थ्री माइनस सेवन हो गया, तो थ्री माइनस सेवन एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा, तो सेवन माइनस थ्री फोर, और बड़ी संख्या क्या है सेवन है, तो यहाँ पे माइनस फोर होगा, ये हो जाएगा एट, ये प्लस माइनस माइनस सेवन, इसका भी वैसे आएगा एट माइनस सेवन वन, ये तो सीधा सीधा था। फिर यहाँ पे माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस सेवन, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो सेवन एंड थ्री टेन, और साइन कौन सा लग जाएगा माइनस का, फिर ये भी होगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस सेवन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो सेवन टू नाइन और साइन लग जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस नाइन, फिर ये आएगा टेन, ये आएगा वन, यहाँ पे आएगा माइनस फोर, ये हो गया माइनस फोर वन माइनस टेन एंड माइनस नाइन। अब इसका देखो माइनस एट का, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, थ्री माइनस माइनस एट, ठीक है, उसके बाद एट माइनस माइनस एट, उसके बाद में माइनस थ्री माइनस माइनस एट, यहाँ पे माइनस टू माइनस माइनस एट। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, थ्री माइनस माइनस एट है, एट माइनस माइनस एट, फिर माइनस थ्री माइनस माइनस एट, माइनस टू माइनस माइनस एट, फिर हो जाएगा थ्री, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस एट, थ्री प्लस एट एलेवन, फिर एट माइनस माइनस प्लस एट, एट एट सिक्सटीन, फिर माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस एट, फिर हो जाएगा एट, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस हो जाएगा, तो एट माइनस थ्री फाइव, और साइन किसका लगेगा बड़े का लगेगा, तो बड़ी क्या है एट है, तो यहाँ पे प्लस में है प्लस फाइव। अभी ये भी वैसे कर लो, माइनस टू माइनस माइनस प्लस एट, ये हो जाएगा एट माइनस टू सिक्स, और साइन प्लस का, ये हो जाएगा प्लस सिक्स प्लस फाइव सिक्सटीन एंड एलेवन, ये हो गया एलेवन सिक्सटीन प्लस फाइव एंड प्लस सिक्स। अब उसी तरीके से इसका भी करना है, थ्री माइनस माइनस थ्री, देन एट माइनस माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री, माइनस टू माइनस माइनस थ्री, ये जाएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, थ्री माइनस माइनस थ्री, फिर है एट माइनस माइनस थ्री, फिर है माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री, उसके बाद में है माइनस टू माइनस माइनस थ्री। तो यहाँ पे देखो तुम लोग को पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, एट माइनस माइनस प्लस थ्री, एट थ्री एलेवन, फिर ये माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री, ये अपोजिट साइन हो गया, सेम डिजिट अपोजिट साइन रहेगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो,
ये माइनस थ्री माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री, थ्री माइनस टू वन, और साइन ग्रेटर का प्लस वन, प्लस वन जीरो अलेवन एंड सिक्स, सिक्स एलेवन जीरो प्लस वन। सो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। इसी तरीके से हर एक का टेबल तुमको क्रिएट करके बनाना। मैं सजेस्ट करूँगा पहले तुम सिर्फ इतने का टेबल बनाओ, फिर सेकेंड टाइम में ये लिखो और नाइन लिख करके पूरा ऐसा जैसे ये टेबल बना हुआ है उसी तरीके से करो। फिर थर्ड टाइम में माइनस फोर को लो, फोर्थ टाइम में ऐसा लो, फिफ्थ टाइम में जीरो का सिर्फ लो, इस तरीके से बनाओ। हर एक टेबल को इस तरीके से बनाओ, जैसा ये टेबल बना है और ऐसा जो ये टेबल बनाया उसी तरीके से बनाओ इसको।